पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद आत्मग्लानी पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के अंतिम संस्कार करने के बाद महिला बाणगंगा थाने पहुंची और अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म और आत्महत्या के नुकसान का मामला दर्ज किया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि 11 फरवरी को उसके पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि महिला अपनी सहेली के घर गई थी, जहां पर एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। इस दौरान महिला मित्र द्वारा दरवाजा बंद कर लिया गया और वहां मौजूद व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी जानकारी महिला के पति को लग गई, इसकी इतनी आत्मग्लानी हुई कि पति ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित की शिकायत पर बाणगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में बाणगंगा थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कल बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आके एक रिपोर्ट की गई कि उसके कुछ 11 फरवरी को उसके पति ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने का उसका कारण उसने आके थाने पे खुलासा करा कि उस युवक महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया था, जो कि उसके पति को पता चला कि उसके साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया गया। इसके चक्कर में आके उसने उसे बहुत आत्मग्लानी हुई और उस आत्मग्लानी के चलते उसने खुद को फांसी लगा ली। महिला रिपोर्ट करने लेट आई क्योंकि वो अपने पति की अंत्येष्टि में गई थी। आने के बाद उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि वो अपनी महिला मित्र के घर पे गई थी, वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति आके बैठा था जो कि आरोपी है, और वहाँ पर कमरा जो उनकी महिला मित्र है उन्होंने बंद कर दिया और उसके साथ में वहीं पर जो आरोपी है उसने ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। जो बात उसके पति को पता चली, तो पता चलने के बाद आत्मग्लानी के चलते उसने आत्महत्या करी और फिर ऐसे मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसके ऊपर से थाना बाणगंगा में दो अपराध कायम हुए हैं। एक 376 का अपराध कायम हुआ है आरोपी के खिलाफ और 306 का भी अपराध चूंकि ये बनता है, इसलिए 306 का भी एक प्रत्यक्ष अपराध कायम किया गया है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, अभी चूंकि जस्ट अभी अरेस्ट हुई है तो आपको डिस्क्लोज कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।